अस्सलाम वालेकुम, चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं फ्राई फिश रेसिपी। फ्राई फिश रेसिपी के लिए मैंने ये फिश को अच्छी तरह से धो लिया है। तकरीबन यहाँ पर 1 किलो फिश है मेरे पास, और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह, फिश को धोने के लिए भी बहुत इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, लेमन से भी धोते हैं और इसके अलावा लहसुन से भी बाज़ लोग धोते हैं, सिरका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लहसुन और लेमन के साथ इसको धो लिया है, तो इसमें से सारी स्मेल जो है वो चली जाती है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से जो है वो जाली में रख कर आप इसका पूरा पानी निकाल दें और फिर इसको मैरिनेट करें। मैरिनेट करने के लिए बता दूँ कि जितने दिन जो भी चीज़ मैरिनेट करने वाली होती है उसको अगर आप ज़्यादा देर मैरिनेट करें मोस्टली चीज़ों को, तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा डेवलप होता है। फ़िश के लिए भी यही है कि इसकी मैरिनेशन अगर ज़्यादा देर तक हो तो इसमें एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। और एटलीस्ट इसे आप 2 से 2.5 घंटे तो ज़रूर रखें मैरिनेट करके, ताकि, लेकिन ये कि बाहर ना रखें, फिश ख़राब होने वाली चीज़ है जल्दी, तो इसे फ्रिज में रखें। मौसम अच्छा होता है तो थोड़ी देर बाहर भी चल जाता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप इसे फ्रिज में ही फौरी तौर पर रखें मैरिनेट करने के बाद भी, और इससे ज़्यादा भी टाइम हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो इस फिश के लिए जो मैंने मसाले लिए हैं वो ये हैं मेरे पास। कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है, और हल्दी है 1 टेबल स्पून। इसी तरह से मैंने कसूरी मेथी जो है वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून लिया है। अच्छा, धनिया भी मैंने 1.5 टेबल स्पून है, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून बराबर से, और इसके अलावा मेरे पास अजवाइन है 1 टीस्पून और काली मिर्च है 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास नमक है। अच्छा, इनमें जो ये सारे मसाले हैं इनमें से कुछ तो मसाले मेरे पास कूटे हुए ऑलरेडी मौजूद थे, और ज़ीरा अजवाइन मेरे पास जो है वो मैंने इसमें साबित लिया है, और धनिया ज़ीरा अजवाइन इन तीनों को भून लेना है, यानी रोस्ट कर लेना है हल्का सा, हो सके तो ये कूटे मिर्च को भी रोस्ट कर लें। मैं तो रोस्ट करके मतलब बहुत लाइट रोस्टेड ही रखती हूँ ज़्यादातर, मतलब काम के लिए, तो रेसिपीज़ बनाने के लिए मोस्टली जो है वो हल्के से, अगर आप इसको मिर्च को, कुटी मिर्च को जो है वो बिल्कुल लाइट अगर इसे रोस्ट कर लें तो अच्छा सा एक टेस्ट डेवलप होता है इसका। तो ये जो चीज़ें ऐसी हैं उनको मैं रोस्ट मैंने कर लिया है, अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। सारे मसालों को मिलाकर मैं ग्राइंड कर लूँगी इसको। इसके अलावा मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ले लिया है मैंने इसमें बेसन, और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें बराबर से चावल का आटा लिया है, 1 पिंच फूड कलर लिया है मैंने इसमें, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लिया है मैंने। इसके अलावा इसमें लेमन जूस है, 1 जो लेमन है उसको आप उसका जूस ले लें, क्योंकि 1 लेमन काफ़ी है। लेमन से मैंने इसको धो भी दिया है और लेमन मेरे पास इस साइज़ का है तो 1 लेमन काफ़ी है। वैसे ये है कि इसमें जो इमली का पेस्ट है वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि मौसम ऐसा है, गले की ख़राबी का भी इशू होता है, तो इस वजह से मैं इसमें लेमन को ही प्रेफर कर रही हूँ कि लेमन ही इस्तेमाल करूँ। तो आए चले पहले मैं मसाले को ग्राइंड कर लूँ, उसके बाद हम इसे मैरिनेट करते हैं। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा से मैंने दरदरा सा मोटा मोटा सा मसाले को ग्राइंड किया है, क्योंकि उसकी मतलब अच्छा सा एक टेस्ट फ्लेवर आता है उसका, और खुशबू भी बहुत अच्छी सी रहती है। इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और इसके बाद मैं इसमें लेमन ऐड कर दूँगी। पहले मैं लेमन से और अदरक लहसुन में इसको अच्छी तरह से हर पीस पर इसको लगा लूँगी। ये देखो, इसको हर पीस पर अच्छी तरह से लगा लेना है। ये देखिए, सारे पीस पर इसको
जितने भी पीसेस हैं उस पर अच्छी तरह से इसको लगा लें। मैंने पहले भी बताया कि आप इमली से भी इसको, इमली भी इसमें डाल सकते हैं, इमली का पेस्ट बना लें, इसको भिगो दें और फिर इसका पेस्ट बनाएं और फिर इसको डाल दें अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो। अब मैंने इसको इसके साथ कर दिया है। और अच्छा, इसमें भी ये चीज़ है कि लेमन और लहसुन से इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर अगर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। उसके बाद फिर मसाले, ये मसाले के तमाम को मैंने ग्राइंड कर लिया था जो मैं अब इसमें इस तरह से डाल दूँगी। ठीक है, चले आए। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें सारे मसाले, देखें मसाला बहुत बारीक नहीं है, इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है मसाले को। इसमें अच्छी तरह से फिश को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसको मिला लें। ये देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह से हर पीस पर लगा देना है, इसको बिल्कुल हर अच्छी तरह से इसको लगाना है। ये देखें, कहीं से भी जो है वो इसका टेस्ट ना जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसे मैं इस तरह से सारे पीसेस को करके हटाऊंगी अब इसको, और मैं बेसन को कर लेती हूँ पहले। ठीक है, बेसन में मैं ऑलरेडी सारी चीज़ों को ऐड कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसमें पानी डालूँगी और इसे मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसमें, चूँकि 1 pinch इसमें कलर भी यूज़ किया है, नमक भी है और चावल का आटा भी है। बहुत क्रिस्पी सी जो फिश बनेगी हमारी फ्राई होने के बाद, आप देखेंगे कि ये इसका कितना अच्छा सा लुक आता है। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए, रिक्वेस्ट है, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो टाइम पर मिलती रहे और ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आप देखते रहें। चलिए अब मैं इसको भी साइड करती हूँ और फिर हम इसे फिश में ऐड कर लेते हैं। अब मैं ये जो मैंने इसको मैरिनेट किया है फिश को, ये देखें, इसके ऊपर मैं ये जो बेसन है इसको मैं यहाँ पर पूरा इसे डाल दूँगी। इसे बिल्कुल भी जो है वो अलग से नहीं डिप करना है, बल्कि इसे इसी तरह से इसमें डाल देना है। ठीक है, ये देखें, मैंने ये सारा जो है वो इसमें बेसन को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, एक एक पीस पर मिक्स किया है। और फिर ये जो पीसेस हैं इसको अगर देखें तो देखें, इसमें अच्छी तरह से ये जो बेसन की कोटिंग है वो आ चुकी है। मुझे थोड़ी कम कोटिंग पसंद है तो मैंने कम बेसन इस्तेमाल किया है। आपको अगर ज़्यादा कोटिंग पसंद हो तो आप डिप करने वाला मेथड जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें उस तरीके में ये है कि आपको थोड़ी जो है वो ज़्यादा कोटिंग मिल जाएगी, और ये तो अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है या अपनी पसंद पर कि आपको किस तरह से पसंद है, आप उसी तरह से जो है वो अपनी रेसिपी में
चेंज ला सकते हैं थोड़ा सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कि अब ये तैयार है, इसे मैं रख दूंगी 2 से 2.5 घंटे मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने गरम कर लिया है, तकरीबन 2.5 से भी ज़्यादा घंटे हो गए हैं इसको फिश को मैरिनेट किए हुए, तो मैं अब इसमें एक एक पीस जो है वो फिश डालूंगी। तेज़ इसमें जो है फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया था ऑयल, लेकिन अब इसमें मैं ऑयल को मीडियम फ्लेम करके पहले इसमें फिशेस को डालूंगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्लेम को लो करूंगी और एक साइड पर हम इसे पहले पका लेंगे। ये देखें, बस ज़्यादा नहीं डालना है, जितनी कैपेसिटी हो, फ्राइड आइटम में जितनी कैपेसिटी हो उतना ही डालना होता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो ये फिश फ्राई हो रही है। थोड़ा सा फ्लेम को मैं हाई करती हूँ। फिश देख लेती हूँ मैं तकरीबन एक साइड से, ये देखें एक साइड से तकरीबन स्टेबल हो चुकी है फिश, यानी कि, और इसमें ये देखें कि मैंने ये जो कहा था कि मैंने थोड़ा सा कम इसमें कोटिंग की है, यानी बहुत थिक कोटिंग नहीं की है। तो देखें इसका कितना अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ रहा है और ये क्रिस्पी फिश बनेगी जब ये मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाएगी। तो ये देखें फिश तकरीबन अब पक चुकी है, ये देखें कितना अच्छा सा कलर और कितने क्रिस्पी, ये बिल्कुल क्रिस्पी इसका लुक देखें। बिल्कुल मैंने इसको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाया है और फिर थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम किया है, तो फिर इसका ये कलर आ रहा है। ये देखिए अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे निकाल लूंगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी फ्राई फिश, मौसम की बेहतरीन रेसिपी। इस रेसिपी को इसी तरीके से, इसी मेथड पर आप ज़रूर आजमाएं और फिर इसका टेस्ट देखें कि कितनी ज़बरदस्त ये फ़िश बनती है और फ़िश को इतनी सॉफ्ट सी ये फ़िश बनेगी और अंदर से ये इतनी क्रिस्पी होगी, अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होगी। ये देखिए ये इसके, ये जो हमने बेसन और उसकी कोटिंग की थी चावल के आटे की, उससे ये बिल्कुल इसका जो ऊपर का एक कोटिंग का टेक्सचर आया है वो बहुत क्रिस्पी सा है, लेकिन अंदर से इतनी सॉफ्ट सी ये फ़िश बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।